मशहूर उद्योगपति रतन टाटा का निधन हुआ। 86 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। लंबे समय से बीमार थे रतन टाटा। ब्रीज कैंडी हॉस्पिटल में उन्होंने आखिरी सांस ली। अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर 10 बजे से शाम के 4 बजे तक रखा जाएगा। देश के जाने माने उद्योगपति और टाटा संस के आजीवन चेयरमैन एमेरिटस रतन टाटा नहीं रहे। 86 साल की उम्र में सक्रिय शीर्ष उद्योगपति ने बुधवार करीबन रात को 11:30 बजे ब्रीज कैंडी हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। टाटा समूह 2023-24 में 13,85,000 करोड़ रुपए के राजस्व के साथ दुनिया के सबसे बड़े उद्योग समूहों में से एक है। दो दिन पहले ही लगभग मंडे को उनको रक्तचाप कम होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और खुद बड़ी बात यह, देखिए लोगों के लिए कैसे इंस्पिरेशन है। ऐसी सिचुएशन में भी रतन टाटा ने अपने चाहने वालों को, उनको पसंद करने वालों को, उनको जो ढेरों प्यार देते हैं, उनको बयान जारी किया और कहा कि मैं नियमित जांच के लिए अस्पताल आया हूं, चिंता की कोई बात नहीं है, मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूं। हालांकि वेंसडे यानी बुधवार की शाम उनकी हालत गंभीर हो गई और उन्हें तुरंत से गहन चिकित्सा इकाई में रखा गया। 28 दिसंबर 1937 को बॉम्बे में जन्मे रतन नवल टाटा, क्योंकि उनका पूरा नाम रतन नवल टाटा है, 1991 में टाटा समूह की कमान संभाली, दुनिया के कारोबारी नक्शे में नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। इस समूह को अपने परोपकारी कार्यों के लिए पहचाने जाने वाले रतन टाटा को 2000 में पद्म भूषण और 2008 में दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी नवाजा गया था। तो रतन टाटा का पार्थिव शरीर उनके कल रात को 2 बजे ही घर लाया गया। कुलाबा स्थित घर पर पार्थिव शरीर लाया गया। लोग आज अंतिम दर्शन कर सकेंगे। सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक उनके अंतिम दर्शन होंगे। तो ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तमाम जो दिग्गज हैं वो आज अंतिम दर्शन के लिए पहुंचेंगे। महाराष्ट्र सीएम ने आज राजकीय शोक का ऐलान किया है और राजकीय सम्मान के साथ रतन टाटा को अंतिम विदाई दी जाएगी, इसका भी ऐलान उनकी तरफ से किया गया। आज जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होने थे सभी को रद्द कर दिया गया है। राजकीय शोक का चूंकि आज ऐलान हुआ है और ऐसे में सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक अंतिम दर्शन उनके कराए जाएंगे। उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। जो अभी उनके घर पर पार्थिव शरीर है वहाँ से लगभग 9:30 बजे उनका जो पार्थिव शरीर है वो अंतिम दर्शन के लिए ले जाया जाएगा। और चूंकि मुंबई में ही अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा 10 बजे से शाम के 4 बजे तक, और उसके बाद अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। राजकीय सम्मान के साथ में रतन टाटा का अंतिम संस्कार होगा। मुंबई के वर्ली शमशान घाट में अंतिम संस्कार होगा। वर्ली शमशान घाट में अंतिम संस्कार की तैयारियां भी इस वक्त हो रही हैं। सुबह 10 से शाम के 4 तक आखिरी दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा और उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां वर्ली शमशान घाट पर हो रही हैं, जो जानकारी अभी तक मिल रही है। और देखिए, पूरा देश इस वक्त गमगीन है। पूरे देश के लिए ये एक बड़ा नुकसान है। और अब चाहे कोई कितना ही दिल का अजीज हो, एक बार साथ थमने के बाद अंतिम संस्कार किया जाता है और अब वर्ली शमशान घाट में तैयारियां इस वक्त हो रही हैं। और उनके अंतिम संस्कार को लेकर एक तरफ जहां तैयारियां हो रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ हर भारतीय का दिल बार बार टूट रहा है, उनको चाहने वालों का दिल बार बार टूट रहा है ये सोच सोच कर कि अब रतन टाटा को आखिरी बार वो लोग देख पाएंगे। हालांकि दिलों में, जिंदगी में, जहन में रतन टाटा अपने विचारों से, अपने किए कामों से, अपने परोपकार से सदैव जिंदा रहेंगे, लेकिन फिलहाल दुनिया को वो टाटा कर चुके हैं। रतन टाटा हमारे बीच नहीं रहे हैं। भारत के दिग्गज और मशहूर अरबपति रतन टाटा ने दुनिया को अलविदा कह दिया। 86 साल के रतन टाटा ने बुधवार देर रात मुंबई के अस्पताल में आखिरी सांस ली। टाटा समूह के मानद चेयरमैन की रतन टाटा के निधन से देश में शोक की लहर है। और इसी बीच हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्यप्रकाश, क्या कुछ आपको जानकारी मिल रही है, क्योंकि आज का दिन पूरे देश भर के लिए शोक का दिन है। कई सारी हस्ती आज पहुंचेंगी भी, मुंबई पहुंचेंगे अंतिम दर्शन के लिए। क्या कुछ और जानकारी आपको मिल रही है? बिल्कुल, देखिए दिवंगत उद्योगपति रतन टाटा का आज पार्थिव शरीर इसी मुंबई के हलेकाय परिसर में रखा गया है, जहां पर जानकारी है कि करीब 9 बजे के आसपास उनका पार्थिव शरीर
मुंबई के एनसीए सभागृह में रखा जाएगा और यह करीब जो उनका निवास स्थान है वहाँ से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर है, जिनको जो है एक विशेष रथ में ले जाया जाएगा। उसके बाद 9:30 बजे से लेकर करीब 3:30 बजे तक उनका पार्थिव शरीर जो है एनसीपीए सभागृह में रखा जाएगा। सत्य प्रकाश, जानकारी ये मिल रही है कि गृह मंत्री अमित शाह भी अंतिम दर्शन के लिए पहुंचेंगे, इसके अलावा क्या और आपके पास अपडेट है, कौन कौन और शामिल हो सकता है? बिल्कुल, देखिए गृह मंत्री अमित शाह अंतिम दर्शन के लिए आ सकते हैं, हालांकि आंकड़ा तो यह भी लगाया जाता है कि पीएम मोदी भी आएंगे, लेकिन जानकारी यह है कि पीएम मोदी चूंकि विदेश दौरा आज उनका होने वाला है इसलिए शायद यह संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन बिल्कुल यह जानकारी मिल रही है कि अमित शाह जो है मुंबई आएंगे और अंतिम दर्शन में वह शामिल होंगे। और क्योंकि लगातार अटकलें लगाई जा रही है कि न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि देश के कोने कोने से रतन टाटा को चाहने वाले लोग थे, उन्हें पसंद करने वाले लोग थे, क्योंकि उद्योग जगत में क्रांति लाने का काम जो रतन टाटा ने किया है, समाज सेवक के तौर पर एक ऊंचा आयाम हासिल करने का काम जो रतन टाटा ने किया है, उन्हीं की वजह से आज उन्हें याद किया जा रहा है। और यही वजह है कि भारत सरकार की तरफ से पद्म भूषण और पद्म विभूषण से उन्हें नवाजा भी गया था, और लगातार देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे लोगों का यहाँ आना शुरू हो गया है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि करीब खुद टाटा समूह से जुड़े हुए 25 करोड़ लोग जो है उनकी निगाहें टिकी हुई है कि कब जो है रतन टाटा के जो है अंतिम दर्शन मिले, इसी लिहाज से मुंबई पुलिस ने कमर कसी हुई है, मुंबई पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनाती की है, क्योंकि यहाँ जहाँ हम खड़े हैं उनके घर के बाहर से और जो एनसीपीए का सभागृह है करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर बिल्कुल ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा, पुलिस के बीच जो है उनके पार्थिव शरीर को वहां ले जाया जाएगा। उसके बाद 9:30 बजे से 3:30 बजे जब अंतिम दर्शन होगा उसके बाद फिर जो है नैनीमल पॉइंट से वर्ली सेनेटोरियम जो शमशान गिरी है वहां पर ले जाएगा, जहां पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जिसकी जानकारी मिल रही है कि इलेक्ट्रिक विधि द्वारा उनका अंतिम संस्कार होगा और जो पारसी रीति रिवाज है उस रीति रिवाज के तहत उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से रतन टाटा की शख्सियत रही है पीढ़ियों के लिए वो प्रेरणा स्रोत हैं, तो ऐसे में जाहिर है कि बड़ी संख्या में लोग उनको देखने के लिए अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। ज़रा ये बताइए कि मुंबई पुलिस की तरफ से क्या तैयारी है, और क्योंकि आप वहीं पर स्थित हैं जहां पर पार्थिव देह आना है, तो वहां पर इस वक्त कैसी हलचल? बिल्कुल, देखिए मुंबई पुलिस की तरफ से बड़ी जिम्मेदारी जो है बनाई गई है, खासकर मुंबई पुलिस की तरफ से कहा गया है कि जो भी अपने निजी वाहन से जो है एनसीपीए सभागृह आते हैं उन्हें लिए एक चेतावनी है कि आप निजी वाहन का इस्तेमाल न करें, ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, ट्रेन का इस्तेमाल करें, क्योंकि जहां पर उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा वहां पर जो है पार्किंग की कोई सुविधा नहीं है। ऐसे में मुंबई पुलिस की यह जिम्मेदारी भी बनती है कि किस तरह से शांतिपूर्वक इस राजकीय कार्य को जो है संपन्न कराया जाए। यही वजह है कि यहाँ से लेकर एनसीपीए जो सभागृह है वहाँ तक ग्रीन कॉरिडोर के तहत उनको जो है रतन टाटा के जो है पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। उसके बाद जो है एनसीपीए सभागृह से उसके बाद फिर जो वर्ली शमशान भूमि है वहाँ पर जो है ले जाने के लिए करीब लंबी दूरी है। इस बीच भी मुंबई पुलिस की बेहद अहम भूमिका होगी, क्योंकि माना जा रहा है कि 10,000 से ज़्यादा लोग इस अंतिम यात्रा में शामिल हो सकता है। यही वजह है कि मुंबई पुलिस का भारी बल कल रात से ही यहां तैनात किया गया है, और मुंबई पुलिस लगातार लोगों को आह्वान भी कर रही है कि आप जब भी अंतिम दर्शन के लिए आए तो निजी वाहनों को लेकर न आए, क्योंकि निजी वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, और ऐसे में रूट डाइवर्सन की भी बात जो है मुंबई पुलिस कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए, आप नज़र बनाए रखें। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, वहाँ पर पूरी तैयारियाँ की जा रही, रूट डाइवर्ट किया जा रहा है, क्योंकि जो लोग पहुँचेंगे और भारी संख्या में लोगों के शामिल होने की भी खबर है। और देखिए, गृहमंत्री अमित शाह भी इसमें शामिल होंगे, और साथ ही साथ पीएम नरेंद्र मोदी लाओस के दौरे पर रवाना हो गए, लेकिन उससे पहले उन्होंने बातचीत की है, नोएल टाटा से उन्होंने बातचीत की।